गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है ना हिंदी ना अंग्रेजी, चलो सीखें भाषा अनोखी। आप सोच रहे होंगे ये कैसी एक्टिविटी हुई, तो प्यारे बच्चों चलो इसी को समझते हैं। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें मैंने ए से लेके जेड तक हमारे अल्फाबेट लिखे हैं, ठीक है। अब इनके नीचे काउंटिंग भी लिखी है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट हैं ये काउंटिंग में 26 यानी कि 26 होते हैं। तो फिर हर अल्फाबेट को जो उसका नंबर है, वही मैंने काउंटिंग वहाँ पर लिखी है। ये पहले नंबर पर आया, ये दूसरे पर आया, ये 7वें नंबर पे है, आई 9वें नंबर पे है, एस 19th नंबर पे है, जेड 26th नंबर पे है। तो बस यही इनकी हमने यहाँ पे नंबरिंग की है, ठीक है। आपको सबसे पहले यही चीज़ समझनी है और यही चीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। जब आप इसे लिख लोगे तो ये एक अनोखी भाषा मैंने किस लिए बोला, ये ना तो ये हिंदी है ना ये अंग्रेजी है, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो जो ऊपर ऊपर से देखो और नीचे दिए बॉक्स में भरो, ठीक है। ऊपर से आपको ये सब देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाती हूँ। माई नेम यानी मेरा नाम। मैंने पहले इंग्लिश में अपना नाम लिखा, GAYATRI। अब हमें वो लैंग्वेज लिखनी है जो अनोखी है, जिसे हमने अनोखी का नाम दिया है कि अनोखी भाषा है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, ये देखिए जी, सबसे पहले जी। तो अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए जी कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 7। ए पहले नंबर पर है, ये तो सभी को याद है। वाई, ये वाई है और ये 25वें नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पर 25 यानी 25 लिख दिया। ए आ गया, ए का सबको पता है पहले नंबर पर होता है। इसके बाद टी, अब टी के लिए कौन सा नंबर है, फटाफट से हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे। यहाँ पर देखो टी के नीचे लिखा है हमने 20, तो ये 20वें नंबर पे है। ऐसे ही हमने यहाँ पर अपने मैंने अपने नाम की जो स्पेलिंग है, इंग्लिश के साथ साथ एक अलग ही भाषा यानी कि एक कोड में लिख दी। इसको हम कोड कह सकते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग होती है ये। इसके बाद देखो बच्चों, अगली लाइन में मैंने लिखा है आई लिव इन, मैं रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं, फरीदाबाद, इंग्लिश में मैंने लिख दिया। अब हमें ये इस अनोखी भाषा में लिखना है, तो चलो इसको हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले एफ, जल्दी से यहाँ पर ढूंढो एफ कहाँ पर है बच्चों। एफ 6, तो हम जल्दी से एफ के नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे, 6। उसके बाद ए, ये तो हम सभी को याद हो गया है, ए तो पहले नंबर पे होता है। उसके बाद देखो आर, जल्दी से यहाँ पर लाइन में ढूंढो आर कहाँ है। यस, ये रहा, आर के नीचे क्या नंबर है, 18। जल्दी से हम यहाँ पर 18 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आई, ढूंढो आई, 9। उसके बाद डी, 4th नंबर पे। ए फर्स्ट, बी सबको पता है बी कहाँ पर होता है, सेकंड नंबर पे, फिर ये फर्स्ट नंबर पे, और डी यहाँ से देखो जल्दी से 4th नंबर पे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट फ्रूट, मेरा फेवरेट वेजिटेबल, फेवरेट स्वीट मैंने अपनी लिखी हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट चीज़ें लिखनी है, यहाँ अपना नाम लिखना है, आप कहाँ रहते हो वो लिखना है, आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है, कौन सी स्वीट आपको अच्छी लगती है। मैंने अपनी पसंद की लिखी है, आप अपनी पसंद की लिखना। और आप जब ये अल्फाबेट में लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर इनको आपको नंबरिंग में भी लिखना है, इस कोड में भी लिखना है। जो कोड हमने यहाँ पे डाला है, ये कोडिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो अभी सिर्फ अपना नाम लिखेंगे इस सीक्रेट सी लैंग्वेज में, या इस अनोखी भाषा में बच्चे सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजेंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे। बाकी सेकंड से लेके फिफ्थ तक सभी इसको इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वर्कशीट और दिखाती हूँ।
ये वर्कशीट बच्चों मैंने पहली से लेके पांचवी तक के सभी बच्चों के लिए बनाई है। इसे आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसे इसमें आपको बहुत मजा आएगा करने में। इसको नाम दिया है बच्चों क्लाउड से देखो, क्लाउड में लिखो। अब ये क्लाउड से देखो मतलब वो है ये क्लाउड। मैंने यहां पर एक क्लाउड बना लिया है जिसमें मैंने ए से लेके जेड तक लिख दिया है और नीचे उनके नंबर भी लिख दिए हैं। अब क्या होगा, अब मुझे जब भी ये वाली वर्कशीट जहां भी करनी होगी मैं बस इसको लूंगी हाथ में और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप भी बच्चों एक क्लाउड इस तरीके का जरूर बनाइएगा और इस तरह से बनाकर आप कुछ भी लिख सकते हो और आप अपने भाई बहन अपने घर के बड़ों को इस खेल में ये खेल की तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिखिए, आप सिर्फ नंबर्स में लिखिए और उनको बोलिए कि बताओ ये मैंने क्या लिखा है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा। तो चलो बच्चों पहले एक बार यहां हम कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता देती हूँ इसमें, वैसे तो आपको समझ में आ गया करना क्या है, फिर भी एक इधर से बताऊंगी और एक इधर से बताऊंगी। सबसे पहले देखो बच्चों फ्रूट्स नेम्स की मैंने यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पे साइड बांट दी है, एक साइड फ्रूट्स नेम है एक साइड वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये क्लाउड है। अब हम देखते हैं पी ई ए आर पियर। अब पियर के लिए हमें नंबर चाहिए, पी ढूंढिए, पी मिल गया फटाफट से 16। तो हम पी के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 16। अब ई है आगे, ई के नीचे 5, ई है पांचवे नंबर पर, ए पहले नंबर पे, आर 18वें नंबर पर 18th। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये नंबर भी रट जाएंगे बच्चों, जब आप इसको करोगे ना वर्कशीट को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज की है मैंने, यहाँ देखिए ये फ्रूट का नाम है, यही है वो चीज जो मैं कह रही थी। आप अपने भाई बहनों के साथ में इसको खाली टाइम में भी खेल सकते हो। आपने ये लिख दिया, अब आप उनको बोलो कि ये मैंने क्या लिखा है, आप उनको हिंट दे सकते हो कि एक फल का नाम है, बताओ कौन सा नाम हुआ ये। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए यहां सबसे पहले 3 लिखा है, फटाफट से देखेंगे 3 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है, सी, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे सी। आप देखिए 8, 8वें नंबर पर क्या लिखा है, एच, यहां पर हम लिख देंगे एच। मैं इसको यहां रख लेती हूं, आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहां लिखा है नंबर 5, जल्दी से जाइए और देखिए नंबर 5 पर ई लिखा है बस, तो हमने यहां पर ई लिख दिया। अब उसके बाद 18 लिखा है, ढूंढो जल्दी से 18 कहां है, ये मिल गया हमको 18, 18 के ऊपर लिखा है आर, हमने यहां पर लिख दिया आर, फिर से 18। अब इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हम समझ गए हैं कि आर 18वें नंबर पर होता है। उसके बाद 25 ये रहा वाई, पढ़े इसको क्या फ्रूट बन गया, ये सी एच ई आर आर वाई, ये बन गया बच्चों चेरी। समझ गए आप, ऐसे ही आपको ये पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है। इनके फोटोज मैं वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी। इस तरह से आप पहले ये कीजिए, फिर इसी में कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप समझ गए हैं, एक ये वर्कशीट है, यहाँ पर आप समझ गए हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे और वो कहाँ रहते हैं ये लिख सकते हैं। अगर वो थोड़ा और आगे करना चाहें तो वो पूरा इस पेज को कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ये वर्कशीट तो है ही, तो इसको करिए और करके इसे अपने अध्यापक को इसकी फोटो भेजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, ये एक्टिविटी है, गेम भी है, तो आप कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।